लखीमपुर खीरी दे विच हुई घटना नूं लैके हुण चारे पासे निंदा हो रही है। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वल्लों भी अपनी पूरी कैबिनेट दे नाल पंजाब दे राजपाल नाल मुलाकात की गई। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुलाकात तो बाद मीडिया ने गलबात करदे कहा कि सारी घटना का मुख्य कारण तीन खेती काले कानून ही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि तीन खेती कानून जिहड़े बनाए हैं इन्हां नूं वापस लिता जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, पंजाब दे लोकां दा दुनिया जिहड़े किसान वसदे हन उन्हां दा विश्वास सरकारां ते बनिया रहे, बहुत जरूरी है कि तीन खेती कानून रद्द किए जाण। नाल ही उन्होंने कहा कि जिहड़े तीन खेती कानून हन उन्हां करके देश दी ते पंजाब दी आर्थिकता नूं भी नुकसान पैदा हो रहा है। यह है कि लखमीपुर खेड़ी यूपी दे विच जिहड़ी अनफॉर्चुनेट घटना हुई है वह बहुत ही निंदनयोग है, बहुत गलत होया, नजायज होया और इस तरह की घटनावां नहीं होनिया चाहीदियां ते नहीं होनी चाहीदी सी। इस करके असी गवर्नर साहब नूं मिले है कि उन्हां बंदियां नूं फड़िया जावे, योग कार्रवाई करी जावे। इहदा जिहड़ा सारा कारण है वह तीन काले कानून है जिहड़े किसानां दे विरोध, सरकार पंजाब दे विरोध और साड़ी आर्थिकता नूं नुकसान पहुँचा रहे। इस करके असी गवर्नर साहब नूं मेमोरेंडम दे के आए हैं कि ये जिहड़े काले कानून है ये इहो जिहे झगड़े फसादां दी जड़ है। अज कीमती जाना चले गई हैं, अगे माहौल खराब ना होवे, देश दे लोकां नूं देश दी हकूमत दे विच विश्वास रहे, इसलिए ये काले कानून है जिहड़े वापस होने चाहिए है। उस संबंध विच साड़ी सारी कैबिनेट सारे मंत्रीगण मेरे समेत असी गवर्नर साहब नूं मिल के मेमोरेंडम दिता। बहरहाल देखने वाली गल रही कि जिस तरीके नाल घटना सामने आई है तो हुण उसकी चारे पासे निंदा हो रही है, अगों केंद्र सरकार का इन्हां तीन खेती कानून लैके की रवैया रहिंदा है। कैमरामैन अमित नाल नवीन सेठी, पंजाब केसरी, जगमनी।